हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माय सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा एसीबीसी एडमिशन का फॉर्म फिलिंग का चल रहा है, डिग्री डिप्लोमा और फार्मेसी वाले स्टूडेंट का। तो फॉर्म फिलिंग करने के टाइम स्कूल इंडेक्स नंबर, एसआईडी नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर, ये तीन नंबर में स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट आते थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर में ये तीनों डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपको आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस जो अब एक्चुअल में अब शुरू होने वाली है वो यहां से लाइव समझनी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। और साथ में हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइंट कर लीजिए। आप अगर ऑलरेडी ज्वाइंट है तो वापस ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूं, ये जो गाइडलाइन है पीडीएफ है वो एसीपीसी वाले लोगों ने ही दी है। आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तब यहाँ पे एक स्कूल इंडेक्स नंबर आएगा और एक एसआईडी नंबर आएगा, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा एसआईडी नंबर और स्कूल इंडेक्स नंबर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गोल कर लेता हूँ, ये रहा, एक ये और एक ये। तो ये दोनों आपको आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में मिल जाते हैं। ये दोनों आपको कहां से मिलेंगे? आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में एसआईडी नंबर और स्कूल इंडेक्स नंबर दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों उसके अंदर लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर लिखे होते हैं। तो ये दोनों आपको मिल जाए। अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट में नहीं लिखे हैं तो आप ये चीजें आपके स्कूल के प्रिंसिपल का और क्लार्क का कांटेक्ट करके भी मांग सकते हो, तो वो आपको दोनों प्रोवाइड कर देंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि जब आप आपका अपलोड करते हो मार्कशीट और सब, तो वहां पे आता है एक ब्लॉक जिसमें आपको डॉक्यूमेंट नंबर लिखने होते हैं। ये रहा, देखो ये डॉक्यूमेंट नंबर लिखने के ब्लॉक आते हैं। आप देखोगे ना यहाँ पे फोटोग्राफ, उसमें तो डॉक्यूमेंट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप आपके कोई ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड करोगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आपका मांगेगा। तो इस डॉक्यूमेंट नंबर में आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे 1 लिख लो, दूसरे में 2 लिख लो और तीसरे में 3 लिख लो, इसका कोई इतना प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट में 1, यहाँ पे तो एन ए मतलब नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो। फिर ये आप प्रीव्यू एंड अपलोड करोगे तो आपको आपकी फाइल दिखाएगी, मतलब वो वहां पे सबमिट हो गया। तो ये खास ध्यान में रखना कि डॉक्यूमेंट नंबर कहीं पे डॉक्यूमेंट में लिखा होता नहीं है, वो आप 1, 2, 3 भी लिख सकते हो। और पेमेंट आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल है पेमेंट की। कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो, बहुत सिंपल वाला फंडा जो हम स्कैन करते हैं हर एक दुकान पे जाके, तो वो सबसे इजी वे इन लोगों ने इस बार दिया है कि भाई एक क्यूआर कोड आ जाता है, उसको स्कैन करोगे, सीधा आपका 350 रुपीज आप वहां से पे कर पाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म फिलअप करने के बाद भी एक पीडीएफ आपकी डाउनलोड होती है, वो पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रख देना, क्लियर। आपकी पूरी प्रोफाइल उसके अंदर होगी। बस इतना करके अभी आपको छोड़ देना है, अभी आपको यहां से आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब एसीपीसी का मेरिट आ जाएगा, मेरिट कहां से आपको मिलेगा, तो मेरिट आप देखोगे बीई बीटेक का जो शेड्यूल है, ये रहा, रिवाइज की डेट्स आई हुई है 19/5 को, मतलब आज ये आप देखोगे तो डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजन मेरिट लिस्ट 6/6 को है, क्लियर। 30 तारीख तक आप आपका पेमेंट कर सकते हो। तो इस दिन पे मेरिट लिस्ट आएगा और फिर मॉक राउंड शुरू होगा 6 तारीख से। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको अभी कुछ करना नहीं है। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।